सर आपका गुड नेम? फतेह सिंह। फतेह सिंह, आप कहाँ से हो सर? अमृतसर से। अमृतसर से, अच्छा पंजाब से हो। हाँ जी। यदि आप तवांग विजिट करने जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे विजिट कीजिएगा, और उसका वजह क्या है वो हमारा सर बताएंगे। अभी यहाँ से पद्मा लगभग 2 किलोमीटर दूरी में है, और वहाँ पे मस्त से हम लंच करेंगे। हम तवांग के लिए जा रहे हैं, देखो वहाँ जाना है हमें, जो वो दिख रहा है ना, क्या कहते हैं वो बादल और पहाड़, उसे क्रॉस करना है, उसे पार करके जाना है हमें। अरे तवांग जाना कोई हलवा नहीं है भाई, स्पेशली ड्राइव करके तो और भी हलवा नहीं है। पद्माश्री लंच करने के लिए हम यहाँ में रुका है। आमतौर पे जो तवांग जाते हैं, चाहे वो टूरिस्ट हो या फिर यहाँ का लोकल वाला हो, है ना, तो यहाँ पे रुकते हैं हम लोग लंच के लिए, और कुछ लोग ब्रेकफास्ट के लिए। ठीक है, हम लोग यहाँ लंच करते हैं, और लंच में क्या मिलेगा आपको भी बताएगा। ठीक है, ज़्यादा भरा नहीं है, 2-4 दुकान हैं, 2-4 रेस्टोरेंट्स हैं, एक वहाँ पे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक नीचे है, और ये तो शायद ग्रोसरी है। ओके, यदि आप तवांग जाता है तो यदि घर से खाना पीना लेना भूल जाते तो यहाँ खा सकते हैं, यहाँ अच्छा होता है। कम छोटे हम दोनों का अभी तवांग जाने के लिए वो सारा पहाड़ क्रॉस करके जाना होगा, वो जब बादल नज़र आ रहा है ना। लेट्स गो, खाना खाते हैं। पद्मा में लंच कर लिया, लंच में कोई स्पेशल नहीं, मैं रोटी खाया, और अंदर वीडियो बनाना था, लेकिन क्या कहते हैं थोड़ा अंधेरा सा था, लाइट इतना ब्राइट नहीं था, इसलिए मैं नहीं बनाया। और वैसे भी आप लोग जो चाहे यहाँ पे ऑर्डर करके बना के खा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 150 फ्रूट्स हैं एंड सो मैनी थिंग्स, जो ग्रोसरी आपको चाहिए होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, सो अभी देखते हैं तवांग का रास्ता कैसा रहेगा, बादल है या नहीं है, फोक है या नहीं है। पद्मा से खाना खा के हम लोग निकल गए अभी तवांग के लिए, और रास्ता आप सब देख रहे हैं कितना मस्त है, बहुत साइड में हरा भरा है, कितना बढ़िया लग रहा है ना। रास्ता भी इनफ है, 2 गाड़ी आराम से चल सकते हैं। दिखाओ ना आगे, क्या खूबसूरत नज़ारा दिखाएगा आपको यहाँ से। हाँ देखो, वो सारा बस्ती हम लोग कवर करके आए हैं, यानी होकर आए हैं, उसको बोलता है संगे, उससे नीचे है आपका पद्मा, जहाँ पे हम आगे खाना खाए थे। ठीक है, देखो वो टॉप, देखो क्या खूबसूरत लग रहा है ना मौसम। अभी शायद मौसम खराब ना हो तो ये जो है ना बादल, ये बादल सारा हमारा नीचे दिखेगा, हम इससे भी ऊपर दिखेगा ये सारा। आई होप मौसम अच्छा हो, लेकिन इधर देखने से लग रहा है कि मौसम बिगड़ रहा है यार, और हमें जाना है यहाँ से ऐसा घूम घूम के बहुत टॉप में जाना है। तो चलिए फटाफट भागते हैं ऊपर, बस यही दुआ है कि मौसम अच्छा हो। हाय, बैसाखी, यह है प्रॉपर बैसाखी, आई लव बैसाखी, लिख के रखा ऊपर देखो। यहाँ से तवांग लगभग आपका 95 किलोमीटर समथिंग है। मौसम फिलहाल फोगी फोगी हो गया, वरना बहुत खूबसूरत दिखता। ये वाटरफॉल में हम जाएंगे आज, जंग वाटरफॉल। ठीक है, ये है तवांग का रास्ता, पर क्या करें मौसम अच्छा नहीं है ना, इसकी वजह से इतना अच्छा तरह से व्यूज देखने को नहीं मिल रहा है। फिर भी कोशिश करते हैं आपको दिखाने के लिए। शायद ठंडे की वजह से पिकअप भी नहीं दे रहा गाड़ी यार, एक दो में चल रहा गाड़ी। यहाँ से तवांग अभी भी लगभग आपका 82 किलोमीटर है, और जेला टॉप जिसको कहते हैं, यानी एकदम टॉप पिक, वो अभी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। आपका गुड नेम? फतेह सिंह। फतेह सिंह, आप कहाँ से हो सर? अमृतसर से। अमृतसर से।
गुड आफ्टरनून गाइस, यदि आप तवांग विजिट करने जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे विजिट कीजिएगा। और उसका वजह क्या है वो हमारा सर बताएंगे, यहाँ पे क्यों विजिट करना चाहिए, हम सबको क्यों ये चीज़ें जानना चाहिए, है ना सर जी? आपका गुड नेम? कमलप्रीत सिंह। कमलप्रीत सिंह, थैंक यू सर जी। रायपुर मैन जसवंत सिंह रावत जी हैं। अच्छा सर जी, हाँ जी, हाँ। तो उनके नाम पर जगह बनाई गई है। हाँ, उनका जो आप हिस्ट्री थोड़ा बता दीजिए। हाँ सर जी, ये जगह 62 की जंग के रिलेटेड बनाई गई है जी, और 66 में इस मेमोरियल की स्थापना की गई थी, 1966 में। ओके, जो आप स्टैचू देख रहे हो ना, ये रायपुर मैन जसवंत सिंह रावत जी का है जी। जी, इसको 11 डोगरा रेजिमेंट ने 15 अगस्त 1987 को यहाँ पर लगवाया था जी। जी, हाँ जी। Okay. जो आपके सामने सामान लगा हुआ है ना जी, ये रायपुर मैन जसवंत सिंह रावत जी का है। अच्छा, ये बिस्तर उनका ओरिजिनल नहीं है, एक जवान की किट को लेआउट करके दिखाया गया है जी। और ये बिस्तर उनका हर मंगलवार को चेंज किया जाता है। अच्छा जी। नीचे इनके सूज रखे गए हैं जो कि डेली पॉलिश किए जाते हैं एक जवान के द्वारा जी। इसमें उनके ओरिजिनल पिक्चर भी लगे हुए हैं। अच्छा, मेरे बाएं नीचे तकरीबन 40 मीटर नीचे इनका एक निजी स्थान मंदिर है जी। वहां पर इनको बैटरी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सबसे पहले इनको भोग लगाया जाता है जी। उसके बाद ही जवानों में सर्व किया जाता है जो भी यहाँ पर चीज बनती है। सर जी, इनको इतना सम्मान देने की वजह, इन्होंने अकेले ने 72 घंटे तक चाइना को रोके रखा था यहाँ पर, चाइनीज आर्मी को। अच्छा। चाइनीज आर्मी 62 में यहाँ तक आ गई थी जी। अप्रोक्स 80,000 पीपल आ गए थे, 80,000 आर्मी उनका। माय गॉड। हाँ जी। और 300 से ज्यादा को इन्होंने ढेर कर दिया था जी। हाँ जी। और जब आप ऊपर आ रहे होंगे ना, आपने स्टैचू देखा होगा एक ग्रे कलर का जवान का। हाँ जी। वो स्टैचू इनकी रेजिमेंट का फर्स्ट जवान है वो। अच्छा, जिसको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जी, उसको गबरू बोलते हैं इनकी रेजिमेंट में। अच्छा जी। और यहाँ पर आप चार जगह विजिट कर सकते हो, आप यहाँ पर लोकेशन पर आए हो ना, चार जगह विजिट कर सकते हो जी। पहला ये मेमोरियल, ये हो गया मेमोरियल जगह। मेमोरियल के सराउंडिंग 16 फ्लैग लहराए जाते हैं जी। उन रेजिमेंट्स के फ्लैग लहराए जाते हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1962 की बार में जी, जी। जो रेजिमेंट्स यहाँ पर लड़ी थी जी। इर्द गिर्द। और दूसरा है चाइनीज ग्रेवयार्ड जी। वो आपके पीछे है, 30 मीटर पीछे ग्रीन कलर की जाली आपको नजर आएगी। हाँ जी। अच्छा जी। वहाँ पर मोर देन 300 चाइनीज सोल्जर दफनाए गए थे आफ्टर इंडो चाइना वार। अच्छा जी। जब इंडो चाइना वार खत्म हुआ ना, जो भी हमारे सोल्जरों को उनकी लाशें मिली, क्योंकि वो अपने सोल्जरों की लाशें लेके नहीं गए थे वापस, जो भी इर्द गिर्द से उनकी लाशें मिली, तो हमारे सोल्जरों ने क्या किया, वहां पर दफना दिए वो। अच्छा, उनको यहां पे। हाँ, क्योंकि वो भी किसी देश के लिए लड़े थे ना, बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ उनको मास ग्रेवयार्ड है वो इकट्ठे दफना दिया था। अच्छा जी। तो यहाँ से आप सीधा ऊपर जाओगे 100 मीटर पर इसी रोड के साथ एक शेल्टर बना हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है स्मृति स्थल। उसमें वो पेड़ अभी मौजूद है जिसके नीचे रायपुर मैन जसवंत सिंह रावत जी ने आखिरी सांस ली थी, जहाँ पर वो शहीद हुए थे, जहाँ पे शहीद हुए थे वो जी। और उसके साथ ही उनका लास्ट टाइम का ड्रेस पड़ा हुआ है, 2018 में इनको रिटायर किया गया था ऑनरी कैप्टन, वो वाला ड्रेस भी इनका वहाँ पर पड़ा हुआ है। अच्छा जी। और उसके साथ ही लेटर बॉक्स लगाया गया है, जो भी टूरिस्ट श्रद्धालु या फौजी आदमी इनको भगवान मानते हैं जी जी जी, और जिनसे दोबारा नहीं आया जाता, इनसे बिस मांग के जाते हैं या इनसे बातचीत करना चाहते हैं जी जी जी। वो इनसे चिट्ठी डालकर बात करते हैं या थैंक यू करते हैं जब इनकी बिस पूरी हो जाती है लोगों की। और इनका पर्सनल सामान भी कुछ वहाँ पर पड़ा हुआ है स्मृति स्थल में। और जहाँ से आप थोड़ा ऊपर जाओगे ना, वहाँ से स्मृति स्थल से कमांड पोस्ट नजर आएगा आपको। अच्छा जी। 30 मीटर ऊपर है, वहाँ पर बताया गया है कैसे सोल्जर रहते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं जब वार चलती है जी जी। सिविलियंस को डेमो के तौर पर वहाँ पर सामान रख के बताया गया है। अच्छा जी। आपके देखने के लिए पता लगे कि कैसा होता है। हाँ जी। बाढ़ के समय कैसा होता है जी जी। वहाँ से ऊपर की तरफ नजर मारेंगे तो 1980s के टाइम के बंकर्स हैं, नीचे की तरफ देखोगे तो 1962 के टाइम के बंकर्स दिखेंगे जी जी जी। और अब मैं आपको 1962 की वार के बारे में बताऊंगा जो लड़ाई हुई थी जी। 17 नवंबर 1962 को चाइना ने इस लोकेशन पर 5 बार हमला किया था। इस लोकेशन को एग्जैक्ट क्या बोलते हैं, जगह का नाम जसवंतगढ़ बोलते हैं इस लोकेशन, जसवंतगढ़। हाँ जी। ये आपका जंग, इसको बैटल ऑफ नूरानाग का नाम भी दिया। गाइस स्टे ट्यून, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और मैं ऐसे एक जगह में हूँ जहाँ पे सर लोग भी बहुत उसको मान करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, और ये आपको भी जानना जरूरी है ऐसे इंडियन। जी सर, आप कंटिन्यू कीजिए। 17 नवंबर 1962 को चाइना ने यहाँ पर 5 बार हमला किया था जी। और पहला हमला सुबह 5 बजे किया जी, यहाँ के लोगों की वेशभूषा में किया उन्होंने जी, धोखा देने के लिए जी। यहाँ के मोनोपा ड्रेस बोलते हैं ना उसको। और हमारे जवानों ने क्या किया, उनको पहचाना और उनको पीछे धकेल दिया। दूसरा और तीसरा हमला उन्होंने 9:30 और 10:45 पर किया, जिसमें उन्होंने
आरटी और मोटर के काफ़ी फायर गिराए, बम जी गिराए, जी जिसको भी हमारे जवानों ने डट के सामना किया और उनका हमला विफल कर दिया। अच्छा जी। और यहाँ पर फोर्थ गरवार राइफल की अल्फा कंपनी डिप्लॉय थी, जिसको कमांड कर रहे थे सेकंड लेफ्टिनेंट सुरेंद्र नाथ टंडन जी। और चौथा और पांचवा हमला चाइना ने पता क्या किया, आगे अभी विजिबिलिटी कम है, अगली टेकरी पर, अगली पहाड़ी पर ना हाइट पे उन्होंने एमएमजी लगा दी कैप्चर करके बंकर। अच्छा जी। और वहाँ से सर बता रहे थे, हाँ जी, वहाँ पर यहाँ पर फायर कर से वहां से लेके, और काफी दबदबा प्रेशर बना लिया था हमारी आर्मी के ऊपर उन्होंने। तो इनके कमांडर ने क्या किया, फैसला लिया उसको न्यूट्रलाइज करने का जी। और इसके लिए तीन जवान वॉलंटियर हुए, राइफल मैन जसवंत सिंह रावत जी, लेसनेक त्रिलोक सिंह नेगी और राइफल मैन गोपाल सिंह हुसैन जी। वो तीन थे, तीनों ने जी यहाँ से लेके वहां तक की दूरी, एमएमजी तक की दूरी मीडियम मशीन गन ने सफर किया, तीनों ने तय की 15 मिनट में, और उनके तकरीबन 10 मीटर नजदीक जाकर ग्रेनेड फेंका और उनको तबाह किया। एक चाइना का सोल्जर जख्मी हालत में भी इन पर फायर कर रहा था लगातार एमएमजी से जी। वो तो इस उनको चाइना के सोल्जर को इन इन्होंने फिजिकली जाके मारा जी, और उनकी एमएमजी वापस लेके आए, वापस लेके आए और 72 घंटे तक उसी एमएमजी से उन्होंने लड़ाई को जारी रखा, चाइना को रोके रखा। और वहाँ पर जैसे मैंने बताया कि स्मृति स्थल है जिसके नीचे पेड़ है, और उस पेड़ के नीचे आकर में ये शहीद हुए, इनके दो साथी भी शहीद हो गए थे। अच्छा, वहीं पे शहीद हुआ, उनके दो साथी अलग, इनको अलग हुआ, जसवंत सिंह सर जो वहाँ पे हुए थे, जसवंत सिंह साहब वहाँ पर हुए थे। और लड़ाई के बाद इनको महावीर चक्र दिया गया था जी। इनके दो साथी थे जो उनको वीर चक्र दिया गया था। अच्छा जी। इनके साथ दो लड़कियां भी लड़ी थी, शैला और नूरा, जिसका नाम बाद में शैला पास पड़ा। अच्छा। और वहां से लेके यहाँ तक इलाके को नूरानाग बोला जाता है। अच्छा, नूरानाग जिला पास से यहाँ तक है, नूरानाग, नूरानाग जो भी फौज का इलाका है या बस्ती है वो सेला से यहाँ तक कितना किलोमीटर पड़ता है, जैसे कोई टूरिस्ट आके यहाँ पे विजिट करना चाहे तो जिला पास से यहाँ लगभग कितना, 3-4 किलोमीटर नहीं, बहुत ज्यादा पड़ता है, 7, हाँ 10 से प्लस ही हुआ, 10 से। चलो, प्लस अंडर टेन किलोमीटर है जिला पास से यहाँ तक आने के लिए, और आप जरूर विजिट कीजिएगा यदि आप तवांग जा रहे हैं तो, ये रास्ते में ही पड़ते हैं और बिल्कुल। नीचे जंग फॉल्स है, उसको भी नूरा फॉल्स का नाम दिया गया, वो भी उसी लड़की के नाम। अच्छा, वो जंग फॉल्स जो वाटरफॉल्स जो है, हाँ, नूरा फॉल्स कहते हैं उसको, उसको भी नूरा फॉल्स का नाम दिया वो गया। तो वहाँ पे वो क्या कहते हैं आपको, कोयला फिल्म भी शूटिंग हुआ था ना। हाँ हाँ जी जी। और तब से लेके अब तक जो भी श्रद्धालु टूरिस्ट या अधिकारी आते हैं जी जी, इनको नतमस्तक होके ही आगे जाते हैं। अच्छा जी, मैंने अभी देखा वो सर जी भी यहाँ पे बहुत रेस्पेक्ट कर रहे थे ना, मान रहे थे। थैंक यू जहन। हाँ, थैंक यू सर। वो जो आपने कह रहे थे ना, वो चाइनीज को जहाँ पे दफना है, वो यही है ना, वो ग्रीन वाला जा सकते हो ऊपर। हाँ। अभी टाइम हो गया ना, अभी बंद हो गया वो ऊपर, ठीक है, यहाँ पर नो इशू, थैंक यू। वैसे आज मौसम इतना ठीक नहीं है, पूरा बादल है, वरना मैं ऊपर जाता, थोड़ा धीमे धीमे बारिश भी हो रहा है ना। और वो सर ने अच्छा से एक्सप्लेन किया है, जो बता रहे थे जो चाइनीज लगभग 300 को मारा उसको यहाँ पे दफनाया बोल रहे, वो जो ग्रीन ग्रीन बनाया। एंड इससे ज़्यादा और कुछ आप जानना चाहें या फिज़िकली देखना चाहें तो आप आइए विज़िट कीजिए, यहाँ पे सारा कुछ दिया रखा है, ठीक है। ओके, बस मैं तो आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन पास करना चाहता था, पर अच्छा खासा वो सर जी ने आपको एक्सप्लेनेशन किया।